एनडीए की सरकार, मोदी सरकार जो है वो ईवीएम के घपले की सरकार है। मोदी तू झूठा और झूठी तेरी सरकार है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किशनगंज महिला जिला अध्यक्ष डॉक्टर तारा श्वेता आर्या कटिहार में एक सभा को संबोधित किया। आपको पूरा स्पीच हम दिखा रहे हैं। उससे पहले आपको हम बता दें कि डॉक्टर तारा श्वेता आर्या इन दिनों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार आदि जगहों में जाकर के उन्होंने जो एनआरसी सीए के विरोध में जनसभा को संबोधित करती हैं, वो एक मिसाल साबित हो रहा है। तब तक आप चैनल में बने रहें और देखते रहें द मैसेज न्यूज। नमस्कार, आदाब। यहाँ पे एक कागज मुझे नाम दिया गया था, पर माफी चाहूंगी, वो कागज मुझे मिल नहीं रहा। जितने भी सुरजापुरी लोग हैं, जितने भी तेलंगावासी हैं, जितने भी मंच पे हमारे भाई हैं, नेतागण हैं, हमारी बहन शुरवीन है, और इस तरह के भी घर में जो बुजुर्ग और जो भाई मेरे और जो बहन हमें सुनने के लिए आई है, इस एनआरसी के तहत, इस एनआरसी के विरुद्ध, इस सीए के विरुद्ध, उनके लिए मैं अपनी तरफ से बहुत बड़ी तालियों बजाती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं आप सबका। बांट दिया इस धरती को चांद तारों का क्या होगा, बांट दिया इस धरती को चांद तारों का क्या होगा, रख दिए नदियों के कुछ अलग नाम, बहती धारों का क्या होगा। शिव का पानी भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है, शिव का पानी भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है। मुसलमान भी पिए, हिंदू भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे इस बारे में बात करनी है, मोदी सरकार घपले की सरकार, मोदी सरकार जो है वो ईवीएम के घपले की सरकार है। मोदी तू झूठा और झूठी तेरी सरकार है। सबसे पहले आप लोगों से ये बताना चाहूंगी कि हमसे प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। आज हमें बताना है, वोटर आई कार्ड आपके पास सबके पास होगा, राशन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, लेकिन फिर भी हम इस देश के नागरिक नहीं है। अगर हम इस देश के नागरिक नहीं है और आप हमसे प्रमाण मांग रहे हैं, तो तुम सरकार कहां से हो भाई? तुम भी तो अपनी गलती छोड़ा, गलती छोड़ के नहीं गया तो तुम्हें वहां बैठने का हक किसने दिया? ये हक तुम्हें इस जनता ने दिया है, इस जनता ने तुम्हें वहां पर बिठाया है, और आज जनता से तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारे पास प्रमाण पत्र है कि नहीं, तुम उसका प्रमाण दो। सबसे पहले मुझे एक और बात आपको बतानी है, जो अभी ये एनपीआर की बात हो रही है, आपसे ये जो एनपीआर के बारे में पूछा जाएगा, जो लोग आएंगे आपको साई मांगने, आपको पता होना चाहिए कि ये एनआरसी के तहत पहला कदम है। अगर एनपीआर के लिए कोई आपके आपका साइन मांगने आपके घर आए, तो निकालो डंडा, उसको बोलो पहले तू जा, तेरे पूरे खानदान का प्रमाण पत्र लेके आ, उसके बाद मुझसे प्रमाण पत्र मांगना। तेरी गद्दी पे जो ऊपर बैठे हैं ना, उनको बोल पहले अपने दादा की दादा का प्रमाण पत्र निकाले, फिर आके मुझसे पूछे कि मैं कौन हूँ। आज आपको पता चला होगा कल शाम को क्या हुआ, दिल्ली में जेएनयू में बड़ी ही बेदर्दी से, बेरहमी से स्टूडेंट्स को मारा गया है। अरे ये कैसे सरकार है भाई, आप स्टूडेंट्स को मार रहे हो, हमें अपनी बात बोलने का अधिकार नहीं। किस हक से, जिस सरकार को हमने चुना, जिस सरकार को हमने चुन के गद्दी में बिठाया, दो दो बार बिठाया, वो सरकार हम पे लाठियां बरसा रही है, लड़कियों को मार रही है, और स्लोगन क्या गाते हो, देश बचाओ नहीं बेटी पढ़ाओ,
नहीं बैठेगी अगर वहाँ संसद में, तो आपको इंसाफ कौन देगा? और अपनी नाकामी बचाने के लिए ये सरकार आपको आज इस कगार पे खड़ी करके रखी है। मुझे बहुत सारे लोग आए समझाने, मैडम आप अकेली जाती हैं, आप MIM की सदस्य हैं, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का डर भाई, बोले आप MIM को छोड़ दीजिए। मैंने कहा मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वो शेर जिसने 9 तारीख को पार्लियामेंट में बिल फोड़ करके बताया कि वो शेर है हिंदुस्तान का, और मैं इस सीमांचल की शेर नहीं, तुम मुझे हिंदुत्व सिखाओगे? हिंदुत्व वो नहीं जो किसी मुस्लिम को मारे तो दूसरा उसके ऊपर हंसे, हिंदुत्व वो नहीं कि किसी को चोट पहुंचे, कोई मर जाए तो उसका आप जश्न मनाए, हिंदुत्व वो है कि आप अपने धर्म का सम्मान करें और दूसरे के धर्म का भी सम्मान करें, अपना अभिमान और दूसरे धर्म का सम्मान, ये हिंदुत्व है। और जो लोग डराने की और मुझे धमकी देने की सोच रहे हैं, मैं उन लोगों को भी इस मंच के द्वारा ये मैसेज देना चाहूंगी कि जिस दिन मिल गई ना, डंडा लेके इतना मारूंगी ना कि नानी परनानी दादी सब तेरे को याद आ जाएगी, और तेरी सांस वही मैं रोक दूंगी, तू क्या मुझे डराएगा? इतना मार खाएगा कि तेरी नानी तुझे याद आ जाएगी। अब मुझे ये बात आपसे और भी कहनी है, ये जो हमारी जो घपले की जो ये सरकार है, जो EVM की घपले की सरकार, यानी कि मोदी सरकार, इनको कुछ याद तो रहता नहीं, बड़े चौड़े होकर के रामलीला मैदान में बोल रहे भाई NRC की तो बात ही नहीं हुई है, 2014 से